अजमेर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत में प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे टीवी सिंघाई अजमेर रंगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश। महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे टीवी सिंह आज अजमेर पधारे और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके अतिरिक्त स्वच्छता पर आधारित रंगोली का अवलोकन किया, साथ ही स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत आयोजित नुक्कड़ नाटक भी देखा। इसके पश्चात श्रमदान किया। महाप्रबंधक प्रातः 8:20 पर जयपुर से अजमेर पहुँचने वाली गाड़ी से आए थे। जैसे कि महाप्रबंधक ने प्रेस वार्ता के अंतर्गत बताया कि अजमेर उत्तर पश्चिम रेलवे के 2 जोधपुर और जयपुर में स्वच्छता की श्रेणी के अंतर्गत कराए गए सर्वे में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जो कि उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त के स्थान बनाए जो भी स्वच्छता के अंतर्गत एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही स्टेशन पर हाथों में झाड़ू लिए लोगों ने सफाई किया और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ करने का संदेश दिया। अधिकारियों ने स्टेशन पर लगाई गई स्क्रीन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता के ऊपर उनके संबंध में की गई उन्हें बड़ा ध्यान पूर्वक सुना। मोदी ने कहा कि आज से लेकर 2 यानी महात्मा गांधी के जन्मदिवस तक सभी को ऊर्जा के साथ श्रमदान करना है। इस मौके पर DRM राजेश कश्यप सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। एक नया प्राण, एक नया उत्साह, एक नया सपना लेकर के आई। आज आप, मैं 125 करोड़ देशवासी स्वच्छता ही सेवा के संकल्प को फिर से एक बार दोहराने जा रहे हैं। आज से लेकर 2 यानी पूज्य बापू की जयंती तक देश भर में हम सभी नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ अपने देश को, अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए श्रमदान करेंगे, अपना योगदान देंगे। भारत का दिल एक साथ धड़कता है और जैसा कि आपको विदित है, हमारे भारतीय रेल में 7,000 से ज्यादा स्टेशन है, जिनसे होकर हमारे यात्री, हमारा माल और हमारी रेलगाड़ियां विभिन्न जगह से गुजरती हुई भारत के जब्बे जब्बे तक पहुंचती है। जी हाँ साथियों, 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। एक 15 दिनों तक रेलवे में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत हमारी रेलवे की दिन भर माथो क्यों अच्छी तरह से पतो कर लियो, दिन भर दौड़ करता करता हमारा में इतनी ताकत को नहीं रहे कि बार बार गलत स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जा गाड़ी बदलू और ठहर उठू। बताइए क्यों कर रहे हो, लागी है क्या? हाँ बेटा लागी है, अरे बड़ी जोर से लागी है। प्लेटफॉर्म पे बने हो तो मैं निपट आऊं। तू भी गजब कर रहा यार, वो सामने पटरी दिख रही है, उधर जा पटरी पर नीचे और उल्टा हो जा भारी। अरे हाँ, अरे 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 जी नमस्ते। अरे नमस्ते मैडम। अरे बापू भारी हो रहे हो, तो मैं पूछ रही हूँ यहाँ पर क्यों? पर क्यों? अरे भाई बुढ़ापा है, जान दे कचेरी का चक्कर काटते काटते हैरान हो गयो तो। जी सर बताइए। आज हम गांधी जी के 150वें सालगिरह के लिए इकट्ठे हुए हैं और उस उपलक्ष्य में हम स्वच्छता पखवाड़ा पूरे भारत देश में मना रहे हैं और उसी के तहत हम सभी भारतीय रेल के रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनीज, रेलवे परिसर जितने हैं सब जगह पर स्वच्छता पखवाड़ा के तहत हम स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ये पखवाड़ा मना रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि इससे हम जितने हमारे देशवासी हैं, हमारे रेलवे के पैसेंजर्स हैं, उनको हम स्वच्छता के बारे में और अवेयरनेस उनकी बढ़ाएंगे और वो लोग भारतीय रेल, भारतीय शहर, जितने हमारे शहर हैं, जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे कॉलोनीज हैं, स्टाफ घर है, उन सबको और अच्छा, साफ और ग्रीन बनाने की कोशिश करें। सर जो अभी तोड़गड़ा में जो एंट्री गेट बन रहा है सर, अभी तक तैयार नहीं हुआ। जी सर,
सेकेंड एंट्री के गेट पर ही टारगेट हमारी 31:10 है। इसमें बीच में वो आप बताते हैं गोमर्दी वाली समस्या जो राजस्थान में कॉमन समस्या है उसमें काफ़ी डिले हो गए थे, लेकिन अब इसमें प्रगति है और 31:10 तक इसकी उन्होंने लक्ष्य हुई है उसका ये कम्प्लीट है।